नमस्कार, मैं बॉबी जायमेनस, न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। अक्षय कुमार बीजेपी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अक्षय कुमार की बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पिछले दिनों इस तरह की खबर आई थी कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार पंजाब के अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अमृतसर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और वह कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन इस चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। दरअसल अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ नया करने जा रहा हूं। आगे उन्होंने लिखा है कि इसके लिए वो नर्वस और उत्साहित दोनों हैं। इस ट्वीट के बाद ये कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार जल्द राजनीति में शामिल हो सकते हैं और उन्हें भाजपा अपने उम्मीदवार बनाकर चुनावी क्षेत्र में उतार सकती है। महाराष्ट्र भिवंडी की एक इमारत में लगी भीषण आग। महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग लगी है। कलियर इमारत में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इमारत में आग सुबह 6 बजे लगी। आग लगने की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि इसके पहले भिवंडी में 31 दिसंबर को भीषण आग लगी थी। भिवंडी के 4 मंजिला कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से उजागर डाइंग कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। वहीं अब एक बार फिर भिवंडी में भीषण आग लग गई है। सिद्धू बोले, मच्छर को कपड़े पहनना मोदी से सच बुलवाना असंभव। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान पंजाब सरकार में मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी की नकल उतारी। सिद्धू ने कहा, मोदी की फिल्म आ रही है, फेकू नंबर वन, झूठा नंबर वन। उन्होंने कहा कि मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना और मोदी से सच बुलवाना असंभव बात है। सिद्धू ने साथ ही कहा कि काहे का तू चौकीदार है, पूरे देश में हाहाकार है। भाजपा पर हमला करते हुए सिद्धू ने कहा, बात करोड़ों की, दुकान पड़ोसों की और संगत भगोड़ों की। इस दौरान सिद्धू ने रैली में लोगों से पूरे ब्रह्मांड में शोर है, चौकीदार चोर है के नारे में लगवाए। रामलीला मैदान में आयोजित इस सभा को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फोन के जरिए ही संबोधित किया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।